Welcome back. You're here with us on Times Now. There's some news coming from the national capital. So, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Raman Thakur. So, कैसा चल रहा है यार क्वारंटीन? मजे आ रहे हैं. तो लॉकडाउन 4.0 चालू हो गया. कुछ भी. अभी हमारे पास एक न्यूज आई है. फैजल सिद्दीकी पे एक पुलिस केस हो चुका है. रीजन बीइंग कि उसने कुछ इस तरीके की वीडियो डाली थी. उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था. तू रोएगा. तो गाइस देखा यार, अब इन सबको तो ये कंटेंट बोलते हैं. इन सब चीजों के लिए तो ये ऐसी वाली वीडियो डाल रहे थे. अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे. जिस दिन ये रोस्टिंग कल्चर, ये लोग बोलते हैं कि किसी को रोस्ट करना एक कल्चर है, तो ठीक है रोस्ट करो, बट किसी की परमिशन लेके. किसी की माँ बहन या बेटी को आप गाली दे रहे हो. अगर यही कल्चर आप खुद की माँ या बहन या बेटी पे अप्लाई करोगे तो ठीक है, कल्चर कंटिन्यू रखो. आप लोग कोई पर्सनल हेट नहीं है आपसे, बट किसी की माँ बहन को इंसल्ट मत करो, गालियाँ मत दो. गालियाँ दे के लड़कों को रोस्ट कर रहे हो, ठीक है लड़कियों को भी, मतलब हद है. मतलब यार इतने बुरे इनके लग चुके हैं, उसके बाद भी इन्हें समझ नहीं आ रही है यार. हम लोगों की वीडियो भी डाउन करवाया जा रहे हैं और कहते हैं ना कर्मा सब. तो बस वही केस अब इनके साथ होना स्टार्ट हो गया है. 3 दिन में मतलब यार एक वीडियो मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गई है यूट्यूब की. मतलब क्या एंगेजमेंट दिखा रहे यार ये यूट्यूब पे आके. इसीलिए अमीर सिद्दीकी कह रहा था कि हाँ हम यूट्यूब पे आके मचा देंगे. उसकी खुद की वीडियो भी अभी ऐसा है कि सेकेंड मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनने वाली है बहुत जल्द, जो उसने यूट्यूब पे भी डाली थी. और उससे पहले जो डाली थी उसमें अगेंस्ट की स्पेलिंग गलत थी 6 साल में उसको. और अब फैजल सिद्दीकी पे केस, जैसा मैंने आपको पहले बताया. और यार आप खुद बताओ, आपने वीडियो देखी, क्या केस होना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ. और दूसरी चीज यार, मैं ये कहूँगा कि हर बंदा अभी ये कह रहा है कि टिकटॉक को बैन करो, टिकटॉक को बैन करो, बट यार द थिंग इज मैं कहता हूँ कि इनकी जो जितने भी क्रिंज फैला रहे हैं, जितने भी बुरे बुरे कंटेंट ये दे रहे हैं, इन सबकी आईडी बैन होनी चाहिए. रीजन पहले एक वीडियो देखो. तो कैसे देखा आपने यार, ये कुछ टैलेंटेड भी है टिकटॉक पे, और ये ऐसा टैलेंट है यार ये यूट्यूब पे नहीं आ सकते. क्योंकि आपको खुद पता है यूट्यूब पे आने के लिए पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है. चलो ये स्क्रिप्टिंग भी कर लेंगे, मतलब उनके अलग अलग तरीके से एंगल शूट लिए जाते हैं यूट्यूब पे. एंगल्स की इनको अभी इतनी समझ कैसे आ पाएगी, टेक्नोलॉजी की समझ कैसे आ पाएगी. लैपटॉप में एडिटिंग करनी पड़ती है, सब कुछ होता है, तो ये नहीं कर सकते. इनके लिए बहुत मतलब एक ईजी वे है कि सामने कैमरा ऑन किया, इन्होंने अपना टैलेंट शो किया और उसके बाद डाल दिया. गाइस ये है मेरा ओपिनियन, मेरे पास 2-3 वीडियोस और हैं, मैं आपको एक वीडियो और दिखा देता हूँ. इनफैक्ट आप भी अगर जाओगे देखोगे ना, तो यार गांव वगैरह वाले जितने भी मतलब ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं इतने टैलेंटेड हैं, बट स्टिल टेक्नोलॉजी वाला एक लॉस आता है, इस वजह से वो यूट्यूब पर नहीं आ सकते. तो मैं इसलिए उनके स्टैंड लेने के लिए ये बोलूँगा कि टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए. बट जितने भी ये अमीर सिद्दीकी, ये फैजल सिद्दीकी, ये फैजू, जो ये मतलब उल्टे सीधी कमेंट्री हमेशा देते रहते हैं, इनकी आईडी बैन होनी चाहिए. यार देखियो, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तेरी भी गर्लफ्रेंड है, बताइए जरा. हाँ भाई है मेरी गर्लफ्रेंड, और एक नहीं 5-5 हैं, और पांचों को मैंने अपने बाप के पैसे से आईफोन दिला रखा है. बस भाई इतना बहुत है. वैसे ये है कौन? तेरे पापा. अंकल जी हो गया यकीन? एंड सेकंड थिंग गाइस, कैरी मिनाटी की भी वीडियो कल आ गई थी, तो उसको भी प्लीज जा करके मोस्ट लाइक वीडियो बनाओ. हमें नहीं पता यार, मैं लाइक्स 12 मिलियन से ऊपर होने चाहिए. और हर्ष बेनीवाल की भी वीडियो आ गई थी, उसको भी हमारे को मोस्ट लाइक वीडियो में लेकर के आना है यार. मतलब 2 मोस्ट लाइक वीडियो जो होनी चाहिए ना, वो इंडिया की होनी चाहिए. पहली कैरी मराठी की, दूसरी हर्ष बेनीवाल की, उसके बाद वो मिस्टर बीस्ट की. ठीक है तो बस कर दो. 2 वीडियोस दिखाना चाहूँगा एलजीबीटी वालों को. तो ये देखो सामने आके ऐसी बात करेंगे ना, तो तुम्हारा टांग फैला के ऐसा बीच में ऐसे जूते मारूंगा ना मैं कि तुम बाप बाप भी नहीं बन पाओगे तुम. बोल के समझे? तो ये सब ना एजेंडा लोग के तरह लाइव पे आके ये सब मत करो. हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. गाइस, आई एम सन्नी लियोनी. मैं कहना
चाहता हूँ कि एक मेरी बहन है जो खाना खाते खाते मेरे को ही घूरती रहती है, वो बैठी है वहां पे सामने, मेरी 10 वीडियो बेकार कर चुकी है, उसका काम ही है ये वीडियो बेकार करना, फिर से देख रही है पत्ता में। मेरी उनसे भी एक अपील है, जैसे उन्होंने यूट्यूब पे स्टैंड लिया, यूट्यूब पे हमारी वीडियो डिलीट करवाई, उनको ऑफेंड हुआ, तो मे भी उनको ये देख के भी ऑफेंड हुआ होगा। हमने जो है डायरेक्टली उन्हें नहीं बोला था, हमने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को बोला गया था कि जो टिकटॉक पर जो इस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं उस वजह से बोला गया था, बट उनको फिर भी ऑफेंड हुआ। ये तो सामने सामने उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ये सामने सामने मुंह पे बोल रहे हैं चीज़ों को, तो इस चीज़ से तो उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑफेंड होना चाहिए। तो अपील है मेरी, स्टेप लो यार इसके, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही यार, फटाफट से वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी हो तो, मेरा आइडिया अगर अच्छा लगा, मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये वाली चीज़ सब में फैल सके। और बस गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वाली वीडियो को फटाफट से देख लो इससे पहले डाउन हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि समझ रहे हो ना। तो बस तो फटाफट से जाओ वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके जाओ यार। सब्सक्राइब नहीं करो बिल्कुल भी, मैंने कल रेशियो चेक करा था, ठगेश की वीडियो आई थी उसके बाद मैंने रेशियो चेक करी अपने वाले की भी, 90% नॉट सब्सक्राइब बंदे मुझे देख रहे हैं, कर लो कर लो। We'll be right back.